तो यार YouTube के इस नए अपडेट के आने के बाद आखिर वो बंदा क्या करेगा जो YouTube पर दिन रात मेहनत कर रहा है? या तो वो अपने उस चैनल को छोड़ देगा, एक नया चैनल बनाएगा, या वो बंदा डीमोटिवेट होकर YouTube पर काम करना ही बंद कर देगा, क्योंकि YouTube का ये सबसे खतरनाक अपडेट है। तो अगर आप लोग भी YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो आज के यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज आपको YouTube के एक नए अपडेट के बारे में बताऊंगा। अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है और ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए है, चाहे आपका चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन है या आपके चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, दोनों के लिए ही अपडेट है। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अब मान लीजिए अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है और आपके शॉर्ट वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे? अपने चैनल की मोनेटाइजेशन को ऑन करने की सोचेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इस अपडेट को आप जान लीजिए। अगर आप मोनेटाइजेशन ऑन करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग की जो वीडियो है, आपने जो वीडियो अपलोड की है उनमें आप चेक कर लीजिए कहीं आपने रीयूज कंटेंट का यूज तो नहीं किया है, किसी और की वीडियो या बॉलीवुड का कोई सॉन्ग आपने अपनी वीडियो के अंदर तो ऐड नहीं किया है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका चैनल अब कभी भी मोनेटाइज नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम अगर आप पहली बार अपने चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आपका चैनल चेक होगा और आपके उस चैनल के अंदर रीयूज कंटेंट पाया गया तो अब अगली बार आपको 90 दिन का इंतजार करना होगा। पहले क्या था कि आप हर 30 दिन के बाद अपने चैनल के लिए रीअप्लाई कर सकते थे, बट अब वो 30 दिन नहीं रहे। पहली बार में आपको 30 दिन मिलेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी आपके चैनल में वही प्रॉब्लम मिली तो अब आपको 90 दिन का इंतजार मिलेगा। हाँ, हालांकि आप 21 दिन के बाद अपील जरूर कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आपके चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन है और आपने कुछ ऐसी गलती कर दी, कुछ ऐसा भी यूज कॉन्टेंट अपने वीडियो में डाल दिया जिससे आपके चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ हो गई, वो बंद हो गई, अगर आप लोग उसको इनेबल करना चाहोगे तो फर्स्ट बार में आपको मौका मिलेगा सिर्फ 30 दिन का। अगर आपने उसके अंदर ठीक उसको नहीं किया और दोबारा फिर से आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ गया तो उसमें आपको 90 दिन का इंतजार करना होगा। अब देखिए, जो बंदा काफी मेहनत कर रहा है, यूट्यूब पर लगा हुआ है और अगर उसको इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा तो वो क्या करेगा? मेरे हिसाब से कुछ बंदे इस अपडेट को जानने के बाद यूट्यूब पर वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि यार 90 दिन 3 महीने यार काफी ज्यादा होते हैं। और रीयूज कंटेंट को आपको बड़े ध्यान से देखना है, अपनी सभी वीडियो के अंदर पहले चेक कर लीजिए अच्छे से, अगर आपके वीडियो के अंदर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है या आपने कुछ ऐसा रीयूज कंटेंट का यूज किया है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को डिलीट करिए, फिर उसके बाद ही आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अपील करिए। अगर आपने वो डिलीट नहीं की और अपील कर दी तो उसके बाद आपको 90 दिनों तक इंतजार करना होगा। पहले आपको 30 दिन के लिए इंतजार करना था, बट अब आपको 90 दिनों के लिए इंतजार करना होगा। YouTube का ये नया अपडेट है तो बड़े ही ध्यान से आपको इस पर गौर देना है, बड़े ध्यान से आपको अपनी सभी वीडियो को चेक करनी है। और ये अपडेट दोनों के लिए है, आपकी मोनेटाइजेशन ऑन है या नहीं है, दोनों लोगों के लिए ही ये अपडेट काफी जबरदस्त है। तो अब आप आगे से ध्यान रखना कि अगर आपकी मोनेटाइजेशन ऑन है तो आप इस तरह का कोई भी कंटेंट अपने वीडियो में यूज नहीं करना, नहीं तो आपके चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी और उसके लिए आपको फिर काफी इंतजार करना होगा। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि अब आपको क्या करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा।